हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के पिछले लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो ऊपर आई कार्ड पे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी थी, आप उसको क्लिक करके अच्छे से सारे लेक्चर्स समझ सकते हो। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कंप्लीट देखना कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। वॉच इट टिल एंड और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए आपको चार्ज डेंसिटी का एक फैक्टर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या है। डेंसिटी वर्ड ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट, जिस तरीके से मास डेंसिटी है, व्हाट इज मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरीके से स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी क्या हुई, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बट यहाँ पे स्टूडेंट ये जो चार्ज डेंसिटी है ये सिर्फ वॉल्यूम में नहीं है। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास को किसी गिवन वॉल्यूम में डिवाइड कर देना। उसी तरीके से मेरे पास थोड़ा सा चार्ज है, फिजिक्स थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं, यूँ समझ लो मेरे पास 100 ग्राम चार्ज है। तो 100 ग्राम चार्ज को अगर मैं एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इक्वली तो उसे मैं कहूँगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से मुझे मिलेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं चार्ज को लाइन पे वन डायमेंशन में आइदर एक्स आइदर वाई या आइदर जेड डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इक्वली तो उसे मैं कहूँगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वहाँ पे मुझे कौन सा फैक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए चार्ज डेंसिटी सपोज मैं सिम्बॉल वाइज के देता हूँ लैम्बड़ा, तो लैम्बड़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो सपोज ये जो लाइन है इस पे पूरा चार्ज है Q और लाइन की लेंथ कितनी है L, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कूलम पर मीटर। तो आई होप सो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया कि जितना चार्ज था उसको हमने एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। तो आपका जो ये जो फैक्टर मिला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी से जो आपको मिलेगा वो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीटली वन डायमेंशन होगा। अब टू डायमेंशन में अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, वही 100 ग्राम चार्ज अगर मैं सपोज ब्लैक बोर्ड पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो ब्लैक बोर्ड हमारा एक्स और वाई दो प्लेन है, तो टू डायमेंशन में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसे कहेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये टू डायमेंशन होगा। आपके समझने के लिए मैंने सपोज यहाँ पे एक टू डायमेंशन सरफेस ले लिया, प्लेन ले लिया है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा फैक्टर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम सिंबल ले लेते हैं सिग्मा। तो सिग्मा क्या होगा, सपोज पूरा चार्ज कितना है क्यू, और उसको मैं अब लेंथ और ब्रेथ यानी कि एरिया में डिवाइड कर रहा हूँ, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको यूनिट देंगे हम कूलम पर मीटर। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सरफेस पे अगर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द थर्ड पोर्शन इज कि उसी चीज़ को, वही जो 100 ग्राम चार्ज था, थोड़ा सा चार्ज था, उसको मैं थ्री डायमेंशन में किसी वॉल्यूम में किसी सिलेंडर में किसी क्यूब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, कोई भी 3D सरफेस पे मैं उसको रख देता हूँ तो मुझे मिलेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं लूँगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको हम कह देते हैं रॉ, इट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जितना चार्ज था उसको हमने पर यूनिट वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया, तो यूनिट मिलेगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि चार्ज डेंसिटी क्या है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मुझे कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है
कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने पहले क्या डिफाइन कर दिया, चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दी। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज इमेजिन कर लो कि एक कूलम चार्ज मैं 1 मीटर के किसी पतले से वायर पे, जिसको आप लाइन समझ सकते हो, तो 1 मीटर वाली लेंथ की मेरे पास एक लाइन है, उस पर 1 कूलम मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वहां पे उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाने वाली है, 1 कूलम पर 1 मीटर। तो उसकी चार्ज डेंसिटी हो गई 1 कूलम पर मीटर। सपोज वही लाइन पे मैं 2 कूलम चार्ज रख दूं, तो 2 कूलम पर मीटर। सपोज उस पे मैं आधा कूलम चार्ज रख दूं, यही हमारी जो लाइन थी उस पे मैं आधा कूलम चार्ज रख देता हूं, तो फिर वो हो जाएगा 0.5 कूलम पर मीटर। तो जिस तरीके से भी मैं अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, उस तरीके से पहले मैं क्या ले लूंगा, उसकी चार्ज डेंसिटी, लैम्ब्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 3 पोर्शन में है, 1 डायमेंशनल दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड 3 डायमेंशनल दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें हमें एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो फाइंड आउट करना है, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे के रखा है। फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा इज लैम्ब्डा 0 cos² θ, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक सर्कल ले लेते हैं पहले हम स्टूडेंट्स, जिसका रेडियस कितना है a, और उसके आजू बाजू हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपके समझ में आया, इसीलिए मैंने ये सिंबल बना दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। ओके, सर्कल का रेडियस कितना है स्टूडेंट a, और मुझे फाइंड करना है कि इसके सर्कल पे टोटल चार्ज कितना। ओके स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेस्ट मेथड है कि आप इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो। तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट, सपोज सर्कल का सर्कमफेरेंस पूरा ले लेता हूँ एल, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना ले लेता हूँ एल, तो मेरा छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं डी एल। अच्छा, एलिमेंट इनफाइनाइटली बहुत छोटा होगा, लेकिन क्योंकि हम पढ़ सके इसलिए मैं फिगर में थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, दिस मच पोर्शन, और इस एलिमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए क्या नाम दे देता हूँ, छोटा सा एलिमेंट डी एल। एल इसका छोटा सा एलिमेंट कितना ले लिया डी एल। अगर पूरे पे चार्ज है, सपोज एल पे चार्ज है क्यू, तो ये चार्ज कितना, इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, छोटे से एलिमेंट पे चार्ज भी कितना हो जाएगा डी क्यू। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंसीडर्ड अ वेरी स्मॉल एलिमेंट डी एल, जिसपे पास चार्ज भी कितना है डी क्यू। अब स्टूडेंट्स यहां पे सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल बी वेरी वेरी स्मॉल, दिस विल बी डी थीटा। सो वी गॉट एवरीथिंग रिलेटेड टू अवर एलिमेंट। हमारा एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है डी थीटा, कितना है dl, और उस पर चार्ज कितना है dq। अब हम फाइंड करते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा। ओके, पहले इस एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्ब्डा इक्वल्स टू q बाय l। ओके, सो अगर मैं बात करूँ q की, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ q इक्वल्स टू लैम्ब्डा इंटू l। अब q लैम्ब्डा इंटू l है, तो dq कितना होगा, लैम्ब्डा इंटू डी एल। नाउ स्टूडेंट पुट द वैल्यू दैट वी हैव गॉट, लैम्ब्डा कितना है, लैम्ब्डा 0 cos² θ, और डी एल कितना है, तो डी एल फाइंड आउट करना होगा। स्टूडेंट आपके 10th में फॉर्मूला आती थी कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आपका आर्क कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आपको आर्क की लेंथ ढूंढनी है, ये आर्क लेंथ है, तो dl कितना मिलेगा, आपका रेडियस है a और आपका एंगल है d थीटा, तो dl के बदले में क्या लिख देता हूँ, a d थीटा। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ dq। अब स्टूडेंट मुझे dq मिला,
छोटे से एलिमेंट का चार्ज मिल गया डी क्यू, अगर मैं उसको पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे सर्कल पे कितना चार्ज फैला हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं मैं, क्यू टोटल चार्ज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, टोटल चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो। सो आई विल, व्हाट आई विल डू इज आई विल इंटीग्रेट डी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट डी क्यू की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसको पहले हम बाहर ले लेते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है स्टूडेंट, लैम्डा जीरो कांस्टेंट रहने वाला है और ए कांस्टेंट रहेगा, ए सर्कल की रेडियस है इसीलिए कांस्टेंट, चेंज नहीं होने वाली, लैम्डा जीरो हमारा एक फंक्शन के अंदर कांस्टेंट दिया हुआ, ये कांस्टेंट होता है हमेशा, ये वेरी नहीं करता, इसीलिए दोनों को बाहर ले लिया, वेरी कौन कौन करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। नाउ स्टूडेंट अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सम खत्म, इज इक्वल्स टू लैम्डा जीरो ए। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली जिनको बहुत अच्छा लगता है मैथ सॉल्व कर सकते हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी होगा, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी है बायोलॉजी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैथ्स उनके समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो देखना आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, बट अगर दो तीन बार ट्राई करने के बाद भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये टफ है तो सिर्फ इतना आंसर याद रखना कि कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पूरे सर्कल पे होता है पाई, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होता है पाई, तो इसका आंसर हमें मिल गया, कितना आंसर आएगा, पाई ए लैम्डा जीरो, इस क्वेश्चन का आंसर याद ही रखो, क्यू इक्वल्स टू पाई ए लैम्डा जीरो। अब हम ये आंसर डिराइव करते हैं कि किस तरीके से ला सकते हैं, ओके लेट अस स्टार्ट अवर डेरिवेशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अब स्टूडेंट मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बदले फॉर्मूला रख देता हूँ, आपको याद रखना है फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉस टू थीटा की फॉर्मूला से ये मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैक्स की फॉर्मूला है अपना याद रखना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मुझे यहाँ से मिलेगा कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू, कॉस टू थीटा प्लस वन बाई टू, ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी और डी थीटा के बदले डी थीटा, उसका हम क्या करेंगे पूरे का इंटीग्रेशन, ये जो कंप्लीट हमें वैल्यू मिलने वाली है दिस कंप्लीट वैल्यू, इसका मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, ओके करते हैं हम इंटीग्रेशन, फॉर नाउ ऑफ मैं इसको रब कर देता हूं, ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट्स अवर इंटीग्रेशन, लैम्डा जीरो ए टू को मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि टू सबका है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा जीरो ए अपॉन टू, इंटीग्रेशन करना है मुझे, किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस टू थीटा डी थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा ये इससे भी और ये इससे भी, तो इंटीग्रेशन करना है कॉस टू थीटा प्लस वन डी थीटा, ओके स्टूडेंट्स लैम्डा जीरो ए बाई टू इंटीग्रेशन करते हैं हम, ओके स्टूडेंट यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए कि इंटीग्रेशन में लिमिट डालनी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है आपको, तो हमें पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस पे चाहिए, तो हम लिमिट ले लेंगे जीरो से कहाँ तक, टू पाई, सर्कल का एक पॉइंट जीरो, वहाँ से कितना टू पाई, यहाँ भी लिमिट जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई, इंटीग्रेट करते हैं इसको, पहले इंटीग्रेशन करते हैं कॉस टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो कॉस का इंटीग्रेशन है साइन टू थीटा, और इंटीग्रेशन का रूल इसको कहाँ पे डाल दो, डिवाइड में, एंड देन यू पुट द लिमिट, लिमिट कितनी है आपकी जीरो से टू पाई, प्लस वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, और लिमिट रख दो जीरो से टू पाई, ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट, वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस सम, सो नाउ इट विल बी, अब भी लिमिट रख देनी है सिर्फ, तो थीटा के बदले आप टू पाई रख दो, तो साइन टू टू जा फोर पाई बाई टू, ये ओरली कर लो स्टूडेंट माइंड में, साइन
टू थीटा, यहाँ पे मैं टू पाई रखता हूँ, तो टू पाई रखने पे क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा फोर पाई बाई टू, सो दिस विल बी साइन टू पाई माइनस, अगर मैं जीरो रखता हूँ तो हो जाएगा साइन जीरो, ये कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा के बदले एक बार रख दो टू पाई माइनस थीटा के बदले एक बार रख दो जीरो, सो यू विल गेट लैम्बडा जीरो ए अपॉन टू। स्टूडेंट साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो है, तो हमारे पास ये पूरे का आंसर कितना बचा, टू पाई, टू से टू कट हो गया, आई मीन गॉट द आंसर पाई ए लैम्बडा जीरो, यानी कि वो जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है उस पर टोटल कितना चार्ज होगा, पाई ए लैम्बडा जीरो। सो ये हमें डिराइव करना था, ये पूरा डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट किस लिए स्टूडेंट, आप ऐसा सोचोगे कि इसको लर्न ही कर लेते हैं, एग्जाम में हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है पाई ओवर द सर्कल, लेकिन वैसा लिख तो दोगे, लेकिन कभी फंक्शन चेंज हो गया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर दे दिया, कोई और फंक्शन दे दिया, तो ये अगर आपको ये पूरा डिराइव करना आता है तो बहुत ही ईजी होगा, सो यू ट्राई इट, डेरिवेशन करो इसको दो बार तीन बार, और फिर भी एक माइंड में आपको याद रखना है, हो सकता है कहीं पे एमसीक्यू में ही आ जाए, तो ये आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा उसका अगर आप ये इंटीग्रेशन करते हो ओवर जीरो टू टू पाई इस सम के लिए, आपका आंसर इतना याद रखना है कि ये कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए, बाकी ए लैम्बडा जीरो कॉन्स्टेंट। करते हैं हम नेक्स्ट सम, आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमें ये फिगर देके रखा है और कहा है कि इस स्क्वायर के ऊपर हम कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देके रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा जीरो एक्स वाई। अब हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है कि ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना लगेगा, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेथड से ही, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं इसके ऊपर, बहुत ही छोटा एलिमेंट है ये, जिसकी ये लेंथ है dx और ब्रेथ है dy। क्या क्या मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx dy, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना होगा dq और इसका एरिया कितना होगा dA। अब स्टूडेंट हम फाइंड सिग्मा की वैल्यू लगाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज q बाई A, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। अगर q सिग्मा ए है तो dq क्या होगा, dq विल बी सिग्मा इंटू ए के बदले क्या हो जाएगा dA। अब वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा के बदले ये वैल्यू रख दो सिग्मा ज़ीरो एक्स वाई, ये किसकी वैल्यू रखी मैंने सिग्मा की वैल्यू रखी, और डी ए, डी ए क्या होगा स्टूडेंट लेंथ इंटू ब्रेथ डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एक्स इंटू डी वाई, तो मैंने डी क्यू की वैल्यू रख दी। अब स्टूडेंट क्या फाइंड करना है मुझे, टोटल चार्ज क्यू फाइंड करना है कि इस पूरे स्क्वायर के ऊपर कितना चार्ज है, तो छोटा सा एलिमेंट डी क्यू, एक डी क्यू दो तीन चार पाँच, पूरे सरफेस पे जितने भी डी क्यू है सबका सम कर दो, सबका इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको क्यू मिल जाएगा, सो क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। स्टूडेंट डी क्यू के अंदर जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पे सिग्मा के टर्म्स में जो होता है सिग्मा जीरो वो कांस्टेंट होता है, तो सिग्मा जीरो कहाँ ले लेता हूँ मैं बाहर, देन एक्स y dx dy, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है x y dx dy, सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा जीरो। स्टूडेंट इंटीग्रेशन हम अलग अलग दे सकते हैं, तो मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन दूंगा x dx और दूसरा इंटीग्रेशन दे देता हूँ y dy। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स लिमिट देना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से कहाँ, तो मैं अगर x में जाऊँ तो ओरिजिन जीरो से कहाँ तक जा रहा हूँ ए तक जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक्स को लिमिट दे देता हूँ जीरो से ए, और वाई में भी मैं जीरो से कहाँ तक जा रहा हूँ ए तक जा रहा हूँ, तो वाई को भी लिमिट कितनी दे देता हूँ जीरो से ए, सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा जीरो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट दे दो जीरो से ए, और वाई स्क्वायर अपॉन टू लिमिट दे दो जीरो से ए, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा जीरो एक बार लिमिट ए माइनस एक बार लिमिट जीरो, ए रखोगे
तो आएगा ए स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो रखोगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे y के बदले a रखोगे तो ए स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो रखोगे तो पूरा ज़ीरो। अब स्टूडेंट ज़ीरो को आप रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अब इसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा ज़ीरो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेस टू फोर अपॉन फोर। तो ये जो हमारा स्क्वायर है उस पर हमें पूरा चार्ज मिल गया, टोटल चार्ज कितना होगा, सिग्मा ज़ीरो ए रेस टू फोर बाय फोर। नोट कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एक वायर दिया हुआ है उस पर टोटल चार्ज है क्यू और पूरा चार्ज वायर पे फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। और ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। पॉइंट पी है डिस्टेंस ए पे। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, हमारा जो मेथड है वही ले लेते हैं। एक सबसे छोटा एलिमेंट ले लो पहले, ये हम पढ़ने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन वो इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट होगा। एलिमेंट क्या ले लेते हैं हम, सपोज उसकी लेंथ है dx और उस पर चार्ज कितना है dq, और वो ये जो एलिमेंट है वो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज x डिस्टेंस पे है। मैं छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ dx लेंथ वाला जिस पे चार्ज कितना है dq और जो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी dE, छोटा सा एलिमेंट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी लगेगी dE। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आई होप सो ये समझ में आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के एलिमेंट का चार्ज dQ और P से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। मेरा काम है dQ ढूंढना। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी देके नहीं रखी है तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर देता हूँ। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज है आपका Q और आपकी लेंथ कितनी है L। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ आप लोग ये थंब रूल याद ही रखो कि जब भी आपको dQ ढूंढना हो और लीनियर चार्ज डेंसिटी देके रखी है तो याद रखो लैम्ब्डा dx, जब भी dQ ढूंढना हो और सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है तो याद रखो सिग्मा dx dy, और जब भी dQ ढूंढना है और आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देके रखी है तो याद रखो रो dx dy dz। यही फॉर्मूला से ये डिराइव होता है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, ये सरफेस के लिए और ये वॉल्यूम के लिए। फिलहाल मेरे केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये काम आएगा dQ इक्वल्स टू लैम्ब्डा dx। सो व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ dQ, dQ इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा dx। अच्छा स्टूडेंट लैम्ब्डा की वैल्यू ये रही, कितना है q बाई एल, तो इस फॉर्मूला में लैम्ब्डा के बदले कितना रख देता हूँ q बाई एल और dx का dx। ओके तो मुझे वैल्यू मिल गई dQ की। अब मैं ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा dE कितना मिलेगा k अपॉन में x स्क्वायर तो था, और dQ के बदले मिलेगा q बाई एल dx। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ dE, कितना मिला dE k q dx अपॉन x स्क्वायर l। स्टूडेंट छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी dE, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट मिला दो तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE, dE का इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है k q dx अपॉन x स्क्वायर l। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, लिमिट क्या दे इंटीग्रेशन की। तो स्टूडेंट ये आपके रॉड का स्टार्ट पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट P है, उसके नज़दीक सबसे पहला पॉइंट है रॉड का ये, और रॉड ख़त्म होती है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कितना दूर है A, तो आप लिमिट स्टार्ट कहाँ से करोगे A से, और जो छिल्ला पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट कितना दूर है L प्लस A। पॉइंट P से ये वाला पॉइंट कितना दूर है L प्लस A, तो आपकी लिमिट कितनी रखोगे A से लेके L प्लस A। फिर से हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे, वो एलिमेंट कितना दूर है A,
ले लिया। वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स इस रास्ते में आते हैं सबको कवर करते जाएंगे, सबका इंटीग्रेशन करेंगे, ख़त्म कहाँ करेंगे, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कितना दूर है P से, L प्लस A, सो वी गेव द लिमिट A टू L प्लस A, सो E इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, वायर की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, के कांस्टेंट है, और वायर पे टोटल चार्ज क्यू वो भी चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको बाहर ले लो, के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है ए से लेके एल प्लस ए। आप लर्न रखो स्टूडेंट, वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाय एक्स, वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाय एक्स। आप बुक में सॉल्व भी कर सकते हो, आएगा माइनस वन बाय एक्स ही आएगा, तो के क्यू बाय एल वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया माइनस वन बाय एक्स ए से लेके एल प्लस ए, दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय एल, एक बार लिमिट एल प्लस ए, एक बार लिमिट ए, सो माइनस वन अपॉन लिमिट रख दो एल प्लस ए। हमारी फॉर्मूला का माइनस, जब भी हम लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो माइनस वन बाय ए, सो दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय एल। अब इसको ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, सो आवर आंसर विल बी माइनस वन इंटू ए माइनस ए प्लस, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल प्लस ए, और अपॉन में दोनों अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए इंटू एल प्लस ए। अब स्टूडेंट क्या क्या कट हो रहा है, माइनस ए प्लस ए कट हो गया, और ऊपर ये जो एल अकेला बचा और ये एल एल भी कट, सो अवर फाइनल आंसर विल बी के क्यू अपॉन ए इंटू एल प्लस ए। फाइनल आंसर है के क्यू अपॉन ए एल प्लस ए, यानी कि ये डिस्टेंस लेना है अपॉन में और ये एल प्लस ए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ए और टोटल डिस्टेंस एल प्लस ए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉइंट पी पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से अभी हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वजह से पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो फाइंड किया, उसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास एक वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज ये पूरा वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इस शेप को थ्री डायमेंशनल समझो, मैंने 3D नहीं बनाया लेकिन इमेजिन के ये एक थ्री डायमेंशनल सरफेस है या शेप है, और इसकी वजह से पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, थ्री डायमेंशन ले ली, एक्स वाई और जेड। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से हमने उसमें भी छोटा सा एलिमेंट लिया था, वैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, जिसको मैं कह देता हूँ छोटा सा एलिमेंट है तो डेल वी। ओके, ये जो एलिमेंट है, सपोज मेरा ये एलिमेंट ओरिजिन से आर वन वेक्टर पे है, ओरिजिन से मेरा जो एलिमेंट है छोटा सा एलिमेंट है, ये आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा किया है लेकिन ये एलिमेंट है वो बहुत ही छोटा है, एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है डेल वी, और उसके पास चार्ज कितना है बहुत ही छोटा चार्ज डेल क्यू। ये जो पूरा सरफेस है उसका वॉल्यूम है वी और उसके पास चार्ज है क्यू, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डेल वी, चार्ज है डेल क्यू, जो ओरिजिन से कितना है आर वन वेक्टर डिस्टेंस पे है। ओके, वहाँ से मैं एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, पॉइंट पी आप अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो, मैंने पॉइंट पी बाहर लिया है जो कितना दूर है ओरिजिन से, उसकी पोजीशन क्या है आर टू वैक्टर। अब मुझे ये कह रहा है कि इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले छोटे से एलिमेंट की वजह से फाइंड करता हूँ, सबका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पी पे वो मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ से मुझे यहाँ तक आना है तो सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूँ आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या होगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, व्हाट विल बी आर वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, और अगर मैं डायरेक्शन के लिए यूज़ करूँगा तो डायरेक्शन के लिए मैं कह दूँगा आर यूनिट वेक्टर, और आर यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर अपॉन वेक्टर का
मैग्नीट्यूड, ये ज़रूर पड़ेगी, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। पहले मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मैं इस छोटे से हिस्से की बात करूँ तो कह सकता हूँ डेल क्यू बाई डेल वी। तो डेल क्यू कितना मिला, डेल क्यू इक्वल्स टू रॉ इंटू डेल वी। तो स्टूडेंट जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है उसमें कितना चार्ज है, रॉ डेल वी। अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो छोटा सा एलिमेंट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी लगेगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डेल ई। ई की फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लेता हूँ तो मैं लिखूँगा के क्यू के बदले ये रहा आपका चार्ज, तो चार्ज कितना लूँगा, रॉ डेल वी अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके डिस्टेंस कितना है हमारा, ये रहा ये डिस्टेंस है आर, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए मैं क्या ले लेता हूँ, आर स्क्वायर। और अब डायरेक्शन दे देते हैं, डायरेक्शन ये रही हमारी आर यूनिट वैक्टर, तो डायरेक्शन दे दी आर यूनिट वैक्टर। ओके ये हमें मिला छोटा सा चार्ज, छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं सबका क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स, तो सबका सम करेंगे तो हमें मिल जाने वाली है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स, डेली के बदले ये वैल्यू रख दो, के कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रॉ डेल वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये हमें मिल गई फॉर्मूला किसकी, ई की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, के समेशन ऑफ ऑल डेल वी, जहाँ पे रो डेल वी बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अगर स्टूडेंट आप चाहो तो इस चीज़ को डेल के बदले डी वी और डी क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो, किस तरीके से, इफ लिमिट डेल वी टेंस टू ज़ीरो, जो कि हमने कंसिडर किया है कि अगर एलिमेंट बहुत छोटा लिया है हमने डी वी टेंस टू ज़ीरो, तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल क्यू बाय डेल वी इज डी क्यू बाय डी वी। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि ई वैक्टर इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन रॉ डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वैक्टर, और कहाँ से कहाँ, पूरे वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको डी वी पता है, आर पता है, वैल्यू पुट कर दो, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आर के बदले हम रखेंगे आर टू माइनस आर वन वैक्टर, और यूनिट वैक्टर के ये बदले ये वैल्यू। तो ये थी आपकी टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो आपको अच्छे से लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। आज के पूरे लेक्चर में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर सरफेस एज वेल एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आ सकते हैं, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमने देखा आज। स्टूडेंट सब में एक ही मेथड थी, आपको कैसे भी करके टोटल चार्ज फाइंड करना था, जिसके लिए आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो ढूंढोगे, और उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीज़ें मिला के बड़ा कर दो, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर, यू अंडरस्टूड द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।